दोस्तों वर्ल्ड कप 2019 मैच नंबर 8 खेला गया साउथ अफ्रीका और टीम इंडिया के बीच में, जहां पर टीम इंडिया ने 6 विकेट शेष रहते इस मैच को जीत लिया है और इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने नन अदर देन रोहित शर्मा। लगातार अच्छा परफॉर्मेंस ये दे रहे हैं, हालांकि वार्म अप मैचेस में कुछ खास परफॉर्मेंस इनकी नहीं रही थी, लेकिन वर्ल्ड कप में जैसे ही इन पर प्रेशर आया पहले मैच में 122 रनों की पारी खेल दी है। तो अगर आप भी मेरी तरह इनकी इस पारी को लेकर काफी खुश है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। आई होप आप इस वीडियो को कम से कम 5000 लाइक तक तो पहुंचाएंगे ही। तो वहीं दोस्तों बात करते हैं कि क्या कारण रहा है रोहित शर्मा की इस रोमांचक पारी का, इस आतिशी पारी का, कि रोहित शर्मा की इस तूफानी पारी का क्या सीक्रेट रहा है। तो रोहित शर्मा ने यहां पर बताया है कि जिस प्रकार से साउथ अफ्रीका के बॉलर्स प्रेशर बना रहे थे, हालांकि रोहित शर्मा के सामने 4 विकेट्स जरूर गिरे, शिखर धवन, विराट कोहली, केएल राहुल और अंत में जाते जाते क्रिस मॉरिस, एमएस धोनी का विकेट ले गए। तो कहीं ना कहीं यहां पर प्रेशर जरूर से रहा है टीम इंडिया के बैट्समैन्स पर, लेकिन जिस प्रकार से रोहित शर्मा की रोमांचक पारी रही है, ऐसे में इन्होंने खुद बताया है कि रोहित शर्मा की इस पारी का सीक्रेट है एमएस धोनी। जिस प्रकार से वार्म अप मैचेस में रोहित शर्मा फ्लॉप हो रहे थे, ऐसे में एमएस धोनी के सजेशंस के चलते कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को हेल्प मिली है और रोहित शर्मा ने नॉट आउट 122 रनों की पारी खेली है और वर्ल्ड कप 2019 में अपनी अच्छी तो शुरुआत की ही है, साथ ही साथ टीम इंडिया का भी कैंपेन काफी अच्छा रहा है। तो दोस्तों अगर आपको भी मेरी तरह ये पारी पसंद आई है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और वर्ल्ड कप 2019 से रिलेटेड सभी लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट वीडियोस लगातार पाते रहने के लिए आप अभी आरएस एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।